मैच बहुत ही जल्द रिस्टार्ट हो जाएगी सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ का मैच रिस्टार्ट हो गया है। ये इनडायरेक्ट फ्री किक का डायरेक्शन है मुख्य रेफरी के द्वारा। गेंद को पास बढ़ाया अपने सहयोगी के लिए, लेकिन गेंद यहां पर प्ले से बाहर हो जाएगी। इसी बीच थ्रोइंग लेते हुए रामगढ़ की टीम शुभदेव पावर के लिए अच्छा थ्रोइंग लिया वहां पर सपोर्टिंग 14 नंबर संजीत कुमार के लिए। संजीत ने यहां पर पीछे खेल लिया शुभदेव के लिए, क्रॉस आया शुभदेव का लेकिन वहां पर अच्छा इंटरसेप्शन किया गया राजन किस्को। गेंद को बढ़ा दिए 9 नंबर के लिए। यहां पर एक बॉल इस बार रामगढ़ की टीम राजन का बहुत ही सुंदर कनेक्शन और ये शायद प्रेसों को थोड़ा सा वहां वार्निंग करते हुए शायद वहां शायद राजन के हाथ से उनको थोड़ा सा चोट पहुंचा खिलाड़ी को। प्लेयर से रिक्वेस्ट रहेगा रेफरी जो डिसीजन लिए हैं उसका आप अनुपालन करें। और यही रिक्वेस्ट रहेगा खिलाड़ियों से कि आप अच्छा खेल का प्रदर्शन करें, आप खेल के भावना से इस मुकाबले को खेलें। और यहां से खुद की कंसीड हो जाएगा सारा रामगढ़ाची के लिए। राजन ने यहां पर गेंद को लिया, राजन वहां पर गेंद को आगे बढ़ाते हुए सुबोध सोरेन वहां पर नंबर पर। इस बीच जिक्सन बुबो गेंद के साथ बढ़ते हुए और यहां पर गेंद टचलाइन से बाहर। ये थ्रोइंग का डायरेक्शन गेंद को बढ़ा दिया वहां पर 9 नंबर के लिए। उन्होंने पीछे खेला राजन किस्को को, लेकिन इसकी यहां पर शॉट ट्राई करते हुए जैक्सन बुबो यहां पर विजय हस्ता को विजय सोरेन को मौका मिलेगी, लेकिन विजय सोरेन वहां पर फंस गए ऑफसाइड के चेक में। विजय वहां पर गेंद को कनेक्ट करने का प्रयास किया गया था लेकिन वहां पर उतना ही बेहतर निगाह है वहां पर हमारे एआर बोल ने हमारे मिथुन सर का उनको ऑफसाइड को देते हुए। लेफ्ट विंगर से इस बार 12 नंबर सुबोध वहां पर गेंद को अंदर खेल लिया है, मौका बना सकते हैं सेकेंड गोल के लिए, लेकिन वहां पर कॉल आ जाएगा ऑफसाइड का। अच्छा डिसीजन हमारे ऑफिशियल टीमों के द्वारा और यहाँ रिंकू सर अगर आप इस मैच को देखें तो कहीं ना कहीं फोर्स थाप है पर फोटो महेशपुर की टीम को भी दो दो लगातार मौका मिला था जिसमें से
पहला मौका जैक्सनपुर को, सेकेंड मौका देवीनाथ किसको को, लेकिन वहां पर गोल में परिणत नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही यहां पर एक मौका मिला 10 नंबर राजा बौरी को, दोनों जैसे ही गोल में कन्वर्ट किया और फर्स्ट ही हाफ में यहां पर रामगढ़ की टीम 1-0 से अपना बढ़त बना लिए थे। तो इसी तरह से सेकेंड हाफ के इस मैच में बदग्रुपों के ऊपर खास नजर रहेगा कि कब तक इस मैच को ये इक्वल करेंगे, बराबरी करेंगे। इस दूसरे हाफ में थैंक यू सर। आदिवासी हमें माता का गोकुलपुर हिरणपुर पाकुड़ की ओर से तीन दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का जो इनॉग्रेशन उद्घाटन एवं शुरुआती दिन में मैं रिंकू और मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर सुशील की ओर से तमाम खिलाड़ियों एवं तमाम दर्शक दीर्घा, साथ ही साथ हमारे मंच पर जितने भी अतिथि मंचासीन है, साथ ही साथ हमारे रेफरी मंडली और उनके साथ हमारे तमाम ईट वर्ग के सदस्य, मैं तमाम के तमाम लोगों को अपने ओर से इस तीन दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज इस ग्राउंड पर अपना उपस्थिति दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आज का फर्स्ट इनॉग्रेशन मैच में कहीं ना कहीं ये सेकेंड हाफ का मैच अराइवल पर है और फर्स्ट हाफ में एक गोल डालकर अपनी टीम को थोड़ा सा मजबूती प्रदान करके यहाँ पर नजर आ रहे हैं रामगढ़ रांची के टीम यहाँ बदभुटू महेशपुर के विरुद्ध में। लेकिन शुरुआती समय में जिस तरह का मौका यहाँ बना था बदभुटू महेशपुर के पास, उस मौके को भरपूर तरह से भगाने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं नाकाम होता हुआ और यहाँ एक अच्छा सा पोजीशन पर लेते हुए बॉल को विजय सोरेन देखा, अभी भी बहुत पोजीशन में हुआ विजय सोरेन के और अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी को देने का प्रयास, यहाँ 9 नंबर के खिलाड़ी के कब्जे में बॉल है लेकिन वो खिलाड़ी किस दिशा में खेलते लेकर आते हैं, एक अच्छा अनुभवी खिलाड़ी यहाँ बॉल आएंगे जैक्सन के कब्जे में, जैक्सन दो खिलाड़ी को बीट करने के बाद तीसरे खिलाड़ी तक पहुंचने से पहले ऑपोजिट के खिलाड़ी के कब्जे में जाता हुआ बॉल, यहाँ पर एक बार 10 नंबर के खिलाड़ी बॉल को अच्छी रिलीज करने का प्रयास, लेकिन वहाँ यह प्रचार बहुत ही मजबूत 7 नंबर के जैसे पर खेलते हुए खिलाड़ी बॉल को उस जगह से आगे की ओर निकाला है और यहाँ बॉल पुनः एक बार बदभुटू महेशपुर के एरिया में 5 नंबर के कब्जे में। जैसे हमारे सहयोगी कमेंटेटर ने बताया कि जिस तरह का हमें एक चांस यहाँ मिला था 10 नंबर के जर्सी पर खेलते हुए खिलाड़ी और यहाँ बोल के पीछे दो दो खिलाड़ी पहले गोल कर चुके तो उसी खिलाड़ी के कब्जे में होता, लेकिन एक गेंद पास करते हुए अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी के लिए गोल यहाँ पर अच्छा लाइन पे शॉट खेले, लेकिन वहां जब तक कोई खिलाड़ी मौजूद हो पाते सुरक्षित यहाँ पर प्रयास करना होगा तभी आप इस टूर्नामेंट पर बने रहेंगे। और देखिए यहाँ एक और मौका बन सकता है, अभी भी छत्र पर मंडराते भी बॉल, लेकिन अंततः यह बॉल जाएगी धीरे धीरे यहाँ सीधे गोल लाइन से बाहर। और जिस तरह का यहाँ पर प्रयास बारंबार लगाया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर रामगढ़ रांची की ओर से, और ऑटोमेटिकली कहा जाए कि यहाँ पर पहला गोल डालकर थोड़ा सा अपनी टीम को रिलैक्स करते हुए शोर दिलाते हुए इंतजार करते हुए किसी भी चुनाई पर और भी करके और से बॉल को खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ 14 नंबर के कब्जे में बॉल आई, क्या ये शॉट दे सकते हैं, लेकिन शॉट था लेकिन शॉट को गलती नहीं किया बॉल सुरक्षित यहाँ नाइट के बॉल के सुरक्षित तरफ से उन्हें एक बार यहाँ 9 नंबर के कब्जे में बॉल 9 नंबर के फ्लाइट के शॉट खेले हैं, लेकिन वहाँ कोई खिलाड़ी नहीं ऑपोनेंट के कब्जे में जाता हुआ बॉल, लेकिन वहाँ से खिलाड़ी ने सुनाया अपने अच्छा रिकवरी करते हुए बॉल को
और वो हाथी का पर के कब्जे में बंधु महेश के पास। और देखिए यहाँ प्लेऑन के साथ आते हुए यहाँ जैक्सन के कब्जे में, जैक्सन अच्छी तरीके से देख रहा है यहाँ क्या खतरा हो सकता है, और जब तक ये खिलाड़ी बॉल को सही दिशा में डाल पाते तब तक वहाँ ऑपोजिशन के खिलाड़ी बॉल को अपने प्रयास से उस गोल लाइन के बाहर फेंकने का प्रयास किया। हर एक आएगा अच्छा सा हमारे रेफरी मंडली का किसी के कॉर्नर की करने का यहाँ सुनहरा मौका मिलेगा यहाँ पर कॉर्नर की करने के लिए यहाँ बदकुट महेशपुर के पास। यहाँ कोशिश रहेगा बदकुट महेशपुर का कि यहाँ से गोल आए, इस कॉर्नर की के माध्यम से गोल आकर मैच को हम इक्वलाइजर करें। लेकिन देखना होगा कि ये किक ये कॉर्नर की किस दिशा में जाती है, क्या इस कॉर्नर की के माध्यम से कितना फायदा अर्जित कर पाते हैं यहाँ पर बदकुट महेशपुर के टीम। और अच्छा सा किक हेडिंग आता वहां, लेकिन आएगा उससे पहले एक ऑफसाइड कॉल हमारे मिडिल विश्वास जी का, बहुत ही अच्छा डिसीजन हमारे एस्टेर रेफरी का। और आएगा यहां एक चेंडी का इशारा, चार नंबर के खिलाड़ी मैदान से बाहर जाते हुए और उसके जगह पर एक फ्रेशमैन के खिलाड़ी मैदान के अंदर आएंगे। अब 12 नंबर के जर्सी पर खिलाड़ी मैदान पर पहुंचे, देखा होगा कि बाकी खिलाड़ी के दृष्टिकोण से ये खिलाड़ी काफी एनर्जेटिक होंगे, इनके अंदर पावर चार्जिंग जो सिस्टम होगा ये काफी होगी इनके पास। और यहाँ कुछ हिदायत देने का प्रयास यहाँ कीपर को, और खास करके आप एक अच्छे खिलाड़ी यहाँ बड़े बड़े टूर्नामेंट को खेलते तो बाखूबी हर नियम और हर चीज को आपको पता होना चाहिए। और यहाँ विजय सोरेन के कब्जे में, विजय सोरेन ने जब तक गोल को सही दिशा में लेते कहीं ना कहीं, और देखिए क्या अच्छा थ्रोइंग लगाया था लेकिन वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, और क्या बैक हिट के माध्यम से बॉल को निकालने का प्रयास, लेकिन आए मौके पर वहां पर बदकुट के खिलाड़ी मौजूद। और कितना अच्छा बॉल को अच्छी लपेटिंग के साथ यहाँ जैक्सन के पास, और देखिए एक मौका और बन सकता था यहाँ मैच को इक्वलाइजर करने का, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहां पर जल्दबाजी होता हुआ, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, खतरा टली नहीं है, लेकिन खतरा यहाँ पर खतरे को टालने में सक्षम होते हुए, और अच्छा यहाँ साइकिलिंग शॉट खेलने का प्रयास। हालांकि यहाँ गोल से पिछड़ा हुआ लेकिन खेल में कहीं से ये पिछड़े नहीं है बदकुट महेशपुर के खिलाड़ी, बहुत ही लाजवाब उनका प्रदर्शन दिखाते हुए, और शायद यहाँ थोड़ा सा पीछे से पुश करने का प्रयास, धकेलने का प्रयास, धक्का देने का प्रयास किए थे यहाँ पर, इसी कारण यहाँ एक फॉल अर्जित करते हुए। और शायद यहाँ एक खिलाड़ी को शायद खिंचाव महसूस होता हुआ, यहाँ हर संभव प्रयास रहेगा बदकुट महेशपुर के टीम के पास कि हर हाल में हम गोल को रिटेन करके मैच को इक्वलाइजर करें। और इस चीज को बाकी सारे खिलाड़ी को पता होता है, टीम मैनेजर को पता होता है कि एक गोल काफी नहीं होता है फुटबॉल में, कभी भी रिटेन हो सकता है, तो यहाँ कोशिश रहेगा रामगढ़ रांची का भी कि यहाँ से हम एक गोल से संतुष्ट नहीं होने वाले। और आएगा यहाँ एक अच्छा सा डिसीजन हमारे रेफरी मंडली, और यहाँ चेन्नई का इशारा आता हुआ रामगढ़ रांची की ओर से, तीन नंबर के जर्सी पर खिलाड़ी बाहर की ओर जाएंगे, और उसके जगह पर एक अच्छे तंदुरुस्त एनर्जी के खिलाड़ी मैदान पे, थोड़ा जल्दी करेंगे हम। और उसके जगह में चार नंबर के खिलाड़ी मैदान पर प्रवेश करते हुए, और लंबा की काम यहाँ पर देखना होगा क्या राजन उस बॉल तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, लेकिन सही समय पर वहां पर बॉल को अपने क्लैक्ट में